नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागोहिया। कैसे दोस्तों आप सभी? दोस्तों काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, बट जो वीडियो बना रहा हूं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर ड्राइवर भाई के लिए जो ओला उबर की टैक्सी चलाता है, या फिर हर राइडर भाई के लिए जो किसी भी स्विगी, जोमैटो, वीफास्ट, बोर्डो, पोर्टर, जैप्टो या ब्लिंकेट या किसी से भी बाइक डिलीवरी का किसी से भी संबंधित कुछ काम करता हो, चाहे वो फूड डिलीवरी का हो या पार्सल डिलीवरी का काम हो। तो आप आज की वीडियो है ये आप सभी से रिलेटेड है और आप सभी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखना दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप अगर इसे अंत तक देखोगे तो इस वीडियो को आप अपने आप से जुड़ा हुआ ज़रूर समझोगे। कई पक्ष हैं इस वीडियो में, कौन विलन है कौन हीरो है ये आप ही डिसाइड करना। जो मैं तथ्य रखूंगा या जो भी मैं बातें बोलूंगा, हो सकता है कि कुछ भाई उससे एग्री करेंगे और कुछ भाई उससे डिसएग्री करें। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों साल 2010 में एक ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस शुरू हुई जिसका नाम था ओला हिंदुस्तान में, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। उसी को देख के एक और टैक्सी सर्विस आई 2011 में जिसका नाम था उबर। इन दोनों के आने से पहले हिंदुस्तान में काली पीली टैक्सी का चलन था, बहुत ज़्यादा चलन था, और दिल्ली में भी काली पीली टैक्सी थी, और दिल्ली एनसीआर में एक और मेघा टैक्सी और मेरू टैक्सी ये भी बहुत चलती थी। ठीक है, एयरपोर्ट की सर्विसेज होती थी ज़्यादातर, ये चलती थी बट ठीक है, पर मोस्टली काली पीली टैक्सी का ही चलन था। उसके बाद जब ये ओला उबर आई, ठीक है, ओला उबर जब आई तो धीरे धीरे ये जो काली पीली टैक्सी है इनका चलन ख़त्म हो गया, और दिल्ली में एनसीआर में जो मेघा टैक्सी या मेरू टैक्सी थी ये भी धीरे धीरे अब कम रह गई हैं। पता नहीं है भी या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट ऑलमोस्ट इनका सफाया हो चुका है। धीरे धीरे ओला उबर अपने पैर पसारते गए, राइडर्स बाइक सॉरी टैक्सी ड्राइवर्स इससे जुड़ते गए, लोग पैसे ले लेके या किश्तों पे या जैसे तैसे करके खरीद के अपनी गाड़ियां इसमें लगाने लगे और अच्छा खासा कमाने लगे। कंपनी ने भी उस टाइम पे ये देखा, इन दोनों कंपनियों ने देखा कि भाई कंपटीशन भी कम है, दो ही कंपनी है, ठीक है, और खूब दबा के इंसेंटिव्स दिया ड्राइवर्स को, खूब जो कस्टमर्स थे ठीक है उनको खूब ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए, खूब अपने इंडिया की मार्केट को पहचानते हुए खूब यहाँ पे अपनी पैठ बनाई। उसके बाद ये धीरे धीरे मतलब जम गए यहाँ पे। तो दोस्तों ये ओला उबर धीरे धीरे मतलब काफी जम गए। अब ऐसे में दोस्तों जब ये जम चुके थे तो गौरतलब एक बात है, क्या ये जो काली पीली टैक्सी के जो ड्राइवर्स थे ठीक है, क्या इन्होंने कंपनी पे या किसी पे या किसी के ऊपर भी ऐसा एलिगेशंस लगाए कि हमारा काम खा गई ओला उबर की कंपनी, हमारा काम खा गई? नहीं, बिकॉज कुछ तो हो सकता है काली पीली टैक्सी के जो ड्राइवर्स थे वो यहाँ भी शिफ्ट हो गए हों ओला उबर में, एंड जब ओला उबर में आए तो वो बकायदा टैक्स दे रहे थे, है ना, बकायदा टैक्स दे रहे थे गवर्नमेंट को, और गाड़ी जब खरीदते थे तब भी वो टैक्स पे करते थे, और खूब मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया किसी ने भी, और कभी मतलब चलने दिया काम, ठीक है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया या किसी को रोक कर, ओला उबर की टैक्सी वाले को किसी को रोक कर ये नहीं बोला कि तुमने हमारा काम छीन लिया है, हमारा काम बंद करवा दिया है, ठीक है। गौर से देखिए, कंपनी भी बड़ी शार्प थी, उन्होंने ओला उबर ने एक तरीके से काली पीली टैक्सी का बिल्कुल चलन एकदम से ख़त्म कर दिया। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब 2015 के आसपास खूब काम आने लगा ओला उबर का, खूब चलन हो गया था 2015 के आसपास। गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें दिख रही थी, लेकिन गवर्नमेंट को ये दिख रहा था कि काली पीली टैक्सी है वो एक तरीके से डाउन हो गई, उसका बिजनेस डाउन हो गया है, और ओला उबर है वो ऊपर जाती जा रही है और उनको खूब प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट को भी जो टैक्स मिल रहा है या जो चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो कार के थ्रू नई गाड़ी खरीदे उसके थ्रू, या फिर जब ये
किसी कस्टमर का बिल काटते हैं तो उसमें जो जीएसटी वीएसटी लगता है उससे भी, तो यहाँ से भी गवर्नमेंट को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। तो गवर्नमेंट इससे क्या बोलेगी, जब आपको अच्छा खासा मुनाफा हो तो क्यों बोलेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ कि और भी चीज़ें सामने आने लगी। अब इधर इनके साथ साथ है ना एक चीज़ और चलने लगी थी कि बाइक डिलीवरी का काम स्विगी जोमैटो ये भी मार्केट में आ चुके थे। तो कुछ राइडर्स भाई या कह लीजिए कि जो बेरोजगार भाई थे जिनको कुछ काम की ज़रूरत थी, ठीक है, तो वो स्विगी जोमैटो पे या फिर छोटे मोटे जो फूड डिलीवरी या कोई और ग्रोसरी डिलीवरी का जो काम है वो कर रहे थे और ठीक ठाक उनका हिसाब किताब भी चल रहा था, ठीक है, सब कुछ सही ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों ये सारी चीज़ चलती गई। उसके बाद ओला उबर ने ये देखा कि कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये देखा कि भाई क्यों ना एक नई चीज़ ऐड की जाए ओला उबर के अंदर, बाइक की जो सर्विस है, बाइक टैक्सी की जो सर्विस है उसको भी लाया जाए, ठीक है। अब ओला उबर बाइक की जो बाइक टैक्सी है इसकी सर्विस को भी अपने पोर्टल पे क्या लीजिए अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड कर देता है, ऐड करता है। तो बहुत सारे भाई जिनके पास बाइक्स थी, ठीक है, वो इसमें ऐड होते हैं और जो बेरोजगार थे या जो स्टूडेंट्स थे जिनको पार्ट टाइम थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं या कुछ ऐसे लोग जिनका घर का खर्चा नहीं चलता वो पार्ट टाइम कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग करना चाहते वो इससे करने लगे। ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिनको रोजगार चाहिए था फुल टाइम तो वो ये भी कर रहे थे, तो करने लगे वो धीरे धीरे। अब क्या होता है कि यहाँ पर गौरतलब बात ये है कि गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें पता थी क्योंकि ये जो कंपनी है गवर्नमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तो नज़र इन पर होगी ही। और दोस्तों जो राइडर्स जुड़े थे ओला उबर से बाइक टैक्सी वाले ये बकायदा टैक्स दे रहे थे, जब उनका उनकी जो पेमेंट होती है या वो टैक्स देते हैं जीएसटी वगैरह कटता है, अच्छा वो टैक्स देते हैं। तो होता क्या है, अब इनकी कोई कमर्शियल बाइक नहीं होती थी, नॉर्मल सी बाइक होती थी, सिंपल सी प्राइवेट नंबर से ऐड किया अटैच किया और ये चलाने लगे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जो गाड़ी टैक्सी वाले थे वो फोर व्हीलर वाले थे वो अपना सब कुछ ठीक ठाक उनका चल रहा था, अच्छा खासा इंसेंटिव आ रहा था। इधर बाइक टैक्सी वाले हाँ ये भी इसमें ऐड हो गई तो और इनका भी थोड़ा ठीक ठाक हिसाब चलने लगा। फिर एक और कंपनी ऐड हो जाती है रैपिडो वगैरह और कोई मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनी तो वो भी चलने लगी, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया तरीके से चल रहा है। सडनली क्या होता है दोस्तों, ठीक है, सडनली क्या लिया कैसे, मतलब 3-4 साल तक ये सब कुछ चीज़ें चलती रही, खूब बढ़िया तरीके से चलती रही। उसके बाद आता है 2019 का एंड या नीचे दिसंबर के आसपास का, तब एक बीमारी आती है चाइना से जिसका नाम है COVID-19 कोरोना, ठीक है। कोरोना आया और 2-3 साल तो हो गए हैं आए हुए, 22 चल रहा है, कोरोना आता है। जैसे ही कोरोना आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग ये सारी चीज़ें इस गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें अलाउ कर दी कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखो और ये सारा तामझाम करो आप, ठीक है, और गाड़ियों में 2 से ज़्यादा बंदे नहीं, मतलब कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब क्या होता है कि जब कोरोना आया तो लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी हिंदुस्तान में चली गई। जब नौकरी चली गई अभी किसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों की नौकरी चली गई तो उनको रोजगार प्रोवाइड करवाएं, आप खुद सोचिए किसकी जिम्मेदारी थी। भूखा मरने की नौबत आ चुकी थी लोगों की, ठीक है, बहुत सारे लोगों का तो बहुत बुरा हुआ, आप जानते हो कोविड में लोगों की नौकरियां गई, जो लोग लाखों कमा रहे थे, जो लोग अपनी जॉब्स वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर ओला उबर की टैक्सी चला रहे थे, ऑब्वियसली बात है भाई जब रिस्ट्रिक्शन लगी तो उनके भी इनकम कम होगी, गाड़ी टैक्सी वालों की, बाइक टैक्सी वाले हैं वो भी शांत बैठ गए थे, उनका भी हिसाब किताब डाउन हो गया था। उधर से जिनकी जो जॉब कर रहे थे नौकरियां कर रहे थे उनकी नौकरियां छिन गई, तो ऐसे में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई COVID-19 के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। अब लोगों को अपनी दाल रोटी चलानी थी तो क्या करें, कुछ ना कुछ काम धंधा बिजनेस कुछ ना कुछ तो करना ही था,
तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये दिखाई दिया कि भाई हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने सोचा यार, उनके पास टू व्हीलर्स या कैसे भी करके टू व्हीलर का उन्होंने अरेंजमेंट किया या टू व्हीलर उनके पास था ही, उन्होंने वो उठाया और ओला उबर जैसी बाइक टैक्सी की जो सर्विसेज हैं उसमें अपनी गाड़ी ऐड की, पार्सल डिलीवरी भी फास्ट कोटर जैसी गाड़ियों में ऐड किया, जोमैटो स्विगी इन सब में मतलब डिलीवरी के काम में या फिर बाइक टैक्सी के काम में काम मतलब अपनी गाड़ी लगा दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तब तक भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत सब कुछ सही ठीक ठाक चल रहा था। अब कोविड जैसे ही 19 आया, ठीक है, मतलब जैसे जो जिनकी नौकरियाँ गई उन्होंने अपनी यहाँ पे लगा ली, और 100 रुपये में से मतलब अगर वो 100 रुपये जॉब से कमाते थे तो 30-40 रुपये कमा के अपनी दाल रोटी जैसे तैसे चला रहे थे। अब क्या होता है दोस्तों, जब इतने सारे लोग उठकर बाइक टैक्सी या ये काम करने लगेंगे, सपोज बाइक टैक्सी ही करने लगेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि कंपनी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, हो ऐड, उनको तो मतलब पैसे आने चाहिए थे, आते थे, तो कंपनी को ये चीज़ें दिखी और कंपनी इस चीज़ में चुप रही, धड़ाधड़ अपने होटल पे राइडर्स को ऐड किया, खूब ऐड किया, इंसेंटिव का लालच देगी जैसे तैसे भी ऐड किया। गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें दिख रही थी बिकॉज भाई गवर्नमेंट के पास इसका टैक्स जा रहा था बकायदा। ठीक है, अब जब इतने सारे लोग बाइक टैक्सी में ऐड हुए तो जो फोर व्हीलर टैक्सी वाले थे उनको एकदम से याद आ गई ये चीज़, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि उनकी नौकरी पे जब मतलब उनकी जो इनकम थी वो डाउन हुई तो उनको एकदम से याद आ गया कि भाई हमारी इनकम इन्होंने ख़त्म कर दी है, इन बाइक टैक्सी वालों ने हमारी इनकम ख़त्म कर दी है। और अब मतलब क्योंकि हम जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो बहुत मोटा सारा टैक्स पे करते हैं, ठीक है, और कमर्शियल गाड़ी करते हैं तो हम बहुत मोटा सारा टैक्स पे करते हैं, तो इसलिए जो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ओला उबर जो टैक्सी का जो काम है इस पे सिर्फ हमारा ही हक है और किसी का कोई हक नहीं है बिकॉज हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो भैया अगर माना कि आप टैक्स पे करते हो, बिल्कुल पूरी अच्छी बात है, टैक्स पे करते हो तो ऑब्वियसली आपका हक है, बट यार एक चीज़ बताओ कि जो बंदे बाइक राइडर थे जो बाइक टैक्सी जिन्होंने ऐड की थी उनकी गलती है, कंपनी की गलती है जिन्होंने इतने सारे बंदों को ऐड किया विदाउट कमर्शियल प्लेट मतलब प्राइवेट, तो कंपनी की गलती है या उन बंदों की, अच्छा, जो अपनी दाल रोटी सिर्फ दाल रोटी चलाने के लिए किसी सहारे पे आके अटैच हुए, पर आपको मतलब जो फोर व्हीलर की गाड़ियों वाले थे उनको भाई इस चीज़ से प्रॉब्लम थी क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई है तो इनको हम रहने नहीं देंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट को भी ये चीज़ दिख रही, गवर्नमेंट भी चुप थी बिकॉज उनको टैक्स मिल रहा था। वाओ, तो भैया उसके बाद देश भर में एक मुहिम चलाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि जो बाइक राइडर्स हैं बाइक टैक्सी वाले लोग हैं इनकी गाड़ी जब्त करवाओ, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई कमर्शियल प्लेट नहीं है। तो ऐसे में एक्शन कैसा लिया जा रहा है, गौर से सुनिएगा, एक्शन क्या लिया जा रहा है, ठीक है, एक्शन ये लिया जा रहा है कि उनकी गाड़ी पकड़ के उनके पर बहुत मोटे चलान 5,000-5,000 रुपये के चलान, जो बंदा मुश्किल से 700-800 रुपये मुश्किल से दिन का कमा रहा है उसके ऊपर 5,000 रुपये के चलान ठोका जा रहा है, उसकी गाड़ी जब्त कर उसकी बाइक है वो जब्त कर ली जा रही है। ठीक है, जो बंदा दाल रोटी बड़ी मुश्किल से कमा रहा था उसका रोजगार एक तरीके से छीन लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब फोर व्हीलर्स के जो भाई हैं उनसे एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाह रहा था कि यार उस टाइम पे क्या हुआ था जब आपने काली पीली टैक्सी वाले भाइयों का रोजगार या उनका काम बिल्कुल डाउन कर दिया था, उनका काम खत्म कर दिया था दिल्ली में, ऑलमोस्ट वो गायब है, तब शायद आप में से किसी भाई ने इस तरीके की कोई आवाज़ ही नहीं उठाई थी कि भाई, बिकॉज सबको अपनी इनकम से मतलब होता है, किसी को दूसरे की इनकम से कोई मतलब नहीं होता। तो अब क्या होता है कि भाई
जो बाइक राइडर्स हैं इनके चालान होने लगे हैं पूरे देश में, दिल्ली NCR में भी, पंजाब में भी, बेंगलोर, हर जगह पे इनके इनकी टैक्सी, बिल्कुल बाइक टैक्सी का जो इनका काम था वो एक तरीके से ठप हो चुका है। तो ऐसे में ये क्या करेंगे, अब कुछ और ऑप्शन ढूंढने लगे। तो उन्होंने देखा कि यार बाइक टैक्सी में इतनी प्रॉब्लम है क्योंकि गवर्नमेंट हमारा चालान काट रही है। तो इन्होंने क्या किया, स्विगी जोमेटो, ठीक है कि भाई इनको भी अपना घर चलाना है, दाल रोटी कमानी है, बच्चे पालने हैं, तो स्विगी जोमेटो में इन्होंने ज्वाइन किया, वी फास्ट पोर्टर में इन्होंने ज्वाइन किया, ब्लिंकेट और ये इस तरीके की पार्सल डिलीवरीज के काम में इन्होंने ज्वाइन किया। तो अभी गवर्नमेंट को शायद ये चीज़ नहीं दिख रही कि जब ये ज्वाइन करते तो यहाँ कौन सी इनकी कमर्शियल टैक्सी है या कमर्शियल नंबर प्लेट है, यहाँ भी तो ये अपने प्राइवेट नंबर प्लेट से ही काम कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर जो वो फोर व्हीलर वाले थे ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई तुम स्विगी जोमेटो में करो, हमारी बाइक टैक्सी, हमारी जो टैक्सी का काम है, हमारी इनकम पे तुम नज़र मत रखो बस। जबकि भाई एक मार्केट में होना यही चाहिए कि एक मार्केट में कोई भी कैसे भी कमाना का उसका हक है, एक कस्टमर है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। या तो कंपनीज को इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना देने चाहिए थे कि वो इन भाइयों को ऐड ही नहीं होने देती, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जब स्विगी जोमेटो में इतने सारे भाई जो पहले बाइक टैक्सी चला रहे थे ओला उबर की, वो स्विगी जोमेटो में गए तो उनका काम डाउन हुआ, ठीक है। वीफास्ट पोर्टर में गए तब उनका काम डाउन हुआ, किसी और प्लेटफॉर्म पे गए तब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे उन सबका काम डाउन हुआ। उससे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का रूल इन्होंने लगा दिया कंपनी वालों ने और रेट्स डाउन कर दिए, जैसे पोर्टर जोमेटो या इन सब चीज़ों पे, वी फास्ट वगैरह, इन पर रेट्स डाउन कर दिए और बड़ी बुरी दुर्गति कर दी क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए और काम ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों। अब इस चीज़ में आप मेरे को ये बताइए कि इसमें कौन हीरो है, कौन विलन है, किसकी गलती है, गवर्नमेंट जिसकी नाक के नीचे ये सारी चीज़ें होती रही, वो कंपनियां जो अपने लालच के लिए इस तरीके से राइडर्स को ऐड करती रही, और क्या बोलते हैं ये जो फोर व्हीलर टैक्सी वाले हैं इनको लंबा छोड़ा इंसेंटिव देती रही जिससे उनको आदत पड़ गई अच्छी खासी इनकम की, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने जब चीज़ें डाउन करने की तो फिर उनकी चीखें निकली कि भाई हमारी इनकम कम हो गई। या फिर वो लोग जिनका कोविड के टाइम पे जिनकी नौकरियां चली गई और वो अपनी दाल रोटी चलाने के लिए इस सहारे पे आए, तो मुझे बताइए कि किसकी गलती है। जो ये फोर व्हीलर भाई वाले भाई जिन जो इतनी लंबे चौड़े लॉ रेगुलेशंस ये लेके सामने आ रहे थे कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई, आपकी आपका जो भी हक है, बट यार एक इंसानियत के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यार आपने भी तो 2010-11 में ओला उबर जब शुरू हुई थी उसके बाद से जैसा जैसे आपका हिसाब किताब चला था तो एक काली पीली टैक्सी का बिल्कुल काम डाउन कर दिया, ठीक है। चलिए आप कहोगे कि भाई हम रूल रेगुलेशन के थ्रू चले, तो भाई रूल रेगुलेशन के थ्रू आप चले, जो ये बाइक टैक्सी वाले थे ये भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही चल रहे थे, बट सडनली गवर्नमेंट को ये चीज़ नज़र आई, ठीक है, कि इनके पास कमर्शियल व्हीकल नहीं है। और इवन अभी भी जो स्विगी जोमेटो में जो लोग काम कर रहे हैं, भगवान न करे यार उनकी कमाई पे कभी कोई आँच आए, या कोई और प्लेटफॉर्म जिन कोई भी लोग अपनी दाल रोटी जो चला रहे हैं उनकी कमाई पे कोई आँच आए, उनके साथ भी सेम चीज़ हुई है दोस्तों, उनकी भी दाल रोटी बिल्कुल डाउन हो गई है। तो उन्होंने तो सिर्फ अपना घर चलाने की कोशिश की और आपने अपनी इनकम की वजह से कह लीजिए, कैसे कह लीजिए, उनकी दाल रोटी पे ही नज़र लगा दोस्तों। बुरा मत मानना इस चीज़ का, किसी भी भाई को बुरा लगाओ तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन सच तो यही है यार। अब खुद सोचिए कि इसमें किसकी गलती है, एक बहुत बड़ा चक्कर भी उठाए जिसमें एक आम आदमी, एक आम राइडर पिस्ता चला गया, ठीक है, और सबकी चीखें निकली, किसी की इनकम कम हुई, किसी का रोजगार चला गया, सबकी चीखें निकली और अंत में ये चीज़ सामने आई कि आज
जो जितने भी बाइक राइडर्स हैं या फिर फोर व्हीलर राइडर्स, वो एक दूसरे के एक तरीके से अगेंस्ट से हो गया है, सबको एक तरीके से जलाने की, ये हमारा काम खा रहा है, ये हमें ऐड ही नहीं होने दे रहा है, ठीक है। फ़ायदा यहाँ पे कंपनियाँ उठा ले जाती हैं भाई, क्योंकि वो बिज़नेस वैसे बिज़नेस माइंड से अपने आप को चलाएंगी और जहाँ उनका फ़ायदा होगा उसी हिसाब से चलेगी। गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं है, एक गरीब आदमी को दो रोटी से मतलब है बस। तो मुझे ये तो पक्का यकीन है कि यार अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आप अपने आप को यहाँ तक कनेक्ट कर पाए होंगे। बहुत लंबी वीडियो है, रियली सॉरी फॉर इसके लिए, बट सच तो यही है यार। चलिए दोस्तों, नहीं समझ यार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बोल रहा था।